अगर आपके नाम पे फर्जी लोन चल रहा है तो आप कैसे पता कर सकते हो और कैसे कंप्लेन करके उस फर्जी लोन को बंद करा सकते हो, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो प्ले स्टोर पर इसका नाम वन स्कोर है, इसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी वगैरह जाएगा, अपना वही नंबर डालिएगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे देख सकते हो अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना, लास्ट नेम डालना और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सिंपल है नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज देखने को मिल जाएगा, यानी कि इंटर योर एड्रेस, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे अपना पहले मेल या फीमेल आप जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद अपना एड्रेस ये फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो अगर आपके स्क्रीन पे इस तरीके का एरर आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एरर इन सर्विस ट्राई अगेन, अगर ऐसा एरर आ रहा है इसका मतलब है कि आपका सिविल स्कोर अभी जनरेट नहीं हो पाएगा, यानी कि आपने आज से पहले कभी भी लोन नहीं लिया है। लेकिन जिनका ये एरर नहीं आ रहा है तो उनके सामने इस तरीके से शो करेगा, आपका एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा और आपका जो सिविल स्कोर है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपका, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लेगा 30 सेकेंड का, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। अब बात आती है आप अपना लोन कैसे पता कर सकते हो कि आपके अकाउंट पे फर्जी लोन चल रहा है, तो इस एप्लीकेशन में 100% करेक्ट चीज़ें दिखाई जाती है। सो नीचे यहाँ पे देख सकते हो माई लोन्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपल है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आल पे देख सकते हो सेट है, तो जितने भी लोन आपके बंद हो चुके हैं और जो चल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो दो एक्टिव अकाउंट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, एक आदित्य बिरला से लोन चल रहा है और एक कैपलॉट से, तो ये दोनों चीज़ें शो हो रही हैं। अगर आपको पता करना है क्रेडिट कार्ड आपके नाम से लिया गया है नहीं है तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है। देख सकते हो मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था एक्सिस बैंक का, जो कि मैं इसे बंद करा चुका हूँ। पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो ये भी हमने बंद करा दिया है। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर लोन ये भी अभी चल रहा है और अदर्स पे, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, तो मैं आल पे क्लिक कर देता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले जैसे मान लो कि आपको पता चल गया कि ये वाला जो नीचे कैपलॉट है ना 7,000 का, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि ये हमने कभी भी नहीं लिया, लाइट कभी भी नहीं लिया, तो इसके लिए आप कंप्लेन कैसे कर सकते हो वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म कर दूं। मैंने पिछली भी वीडियो में कई सारी वीडियो में इसका जिक्र किया है कि अगर आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज करते हैं या फिर पेटीएम पोस्टपेड यूज करते हैं या फिर अमेजोन पे लेटर यूज करते हैं तो वो लोन यहाँ पे शो करता है। मान लो कि आपने अमेजोन पे लेटर यूज किया, ठीक है, अमेजोन में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो अमेजोन पे लेटर अगर आप यूज करते हैं तो जो भी आपको लिमिट मिली है, तो यहाँ पे देख सकते हो 35,000 की लिमिट मिली हुई है, ठीक है, तो ये जो 35,000 का है उसे दो लोग देते हैं, ठीक है। पहला जो है कैपलोट ने दिया है हमें 7,000 और दूसरा यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो 28,000 करूर करके ये जो वेंडर है इसने दिया हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने मेरा जो हमने पेटीएम पोस्टपेड या फिर अमेजोन पे लेटर से जो जितना हमें लिमिट मिली है उतना ही है, लेकिन हमें दो अलग अलग लोन शो कर रहा है, तो ये यही शो करता है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी के थ्रू आप लोन लेते हो, जैसे पेटीएम के थ्रू आप लोन लेते हो, तो जो पैसा देता है वो दो अलग अलग वेंडर दे सकते हैं, दो या दो से अधिक वेंडर आपको पैसा यहाँ पे दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरीके से शो होगा कि यह दो तीन लोन शो हो सकता है, मल्टीपल लोन शो हो सकता है। तो ये चीज़ें आप कंप्लेन करने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट हिस्ट्री में भी आप देख सकते हो पूरा अक्टूबर तक हमने पूरा पे कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो ईएमआई 400 रुपया दिखाई दे रही है ऑलरेडी बंद हो चुकी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ आपको, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो आउट स्टैंडिंग जो दिखा रहा है 2,047 रुपया, ठीक है, तो ये 2,047 रुपया ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अगर आप में भी शो हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे शो होता रहता है। और देख सकते हो लास्ट अपडेट 31 अक्टूबर हुआ है, ठीक है, अक्टूबर में हमने पेमेंट डन कर दी थी, लेकिन ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो अपकमिंग टाइम में ये 23 दिन के अंदर में अपडेट हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात आती है अगर आपको 100% कन्फर्म हो जाता
पता है कि नहीं भाई ये लोन हमने नहीं लिया है, ठीक है। जनरली ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनके अकाउंट पे लोन चलती है उनके नाम से, लेकिन उनको पता नहीं रहता। लेकिन आपको ऐसे पता चल गया है कि भाई कंफर्म कर लिया आपने कि आपका लोन मतलब आपने नहीं लिया है, तो आप कंप्लेन कैसे करोगे? तो कंप्लेन कैसे करोगे उसका मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है मेरा चैनल का नाम, ठीक है। ऐसे आप सर्च करोगे तो मेरा चैनल डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब ऐसे आना है यहाँ पे, देख सकते हो कम्युनिटी पे क्लिक करना है। तो 1 घंटा पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया है ऑनलाइन डिस्प्यूट का। तो देख सकते हो फर्जी लोन ऐसे बंद कराएं, ये थंबनेल आपको देख सकते हो, ऑनलाइन शिकायत। 5 महीना पहले ये वीडियो हमने अपलोड किया था 12 मिनट का। इसमें हमने बताया था कि आप फ्री में कैसे अकाउंट बना सकते हो सिविल का, और कंप्लेन कैसे कर सकते हो, और कितने दिन में ये आपका सोल्यूशन होगा, कितने दिन में आपका जो फर्जी लोन है वो हट जाएगा आपके नाम से, ठीक है। तो इस वीडियो को जाके क्लिक करके इसे कंप्लीट वॉच कर लेना, आपको 100% पता चल जाएगा कि कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं, ठीक है। सो ये रही आज की वीडियो, और आप वन स्कोर एप्लीकेशन से आसानी से जान सकते हो कि आपके अकाउंट पे कितना लोन वगैरह चल रहा है, और आपका जो सिविल स्कोर है ये भी देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट अपडेट इन 25 डेज, तो 25 दिन के बाद में ये अपडेट होता है, अराउंड 782 समथिंग हो सकता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो, और पता चलने के बाद कंप्लेन कैसे करना है वो मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो जो इस प्रॉब्लम से परेशान है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और लास्ट में हैप्पी न्यू ईयर सबको।